आपको सुनवाते हैं हमारे सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान महंत बाबा बालकनाथ से बातचीत कर रहे हैं, सुनिए क्या कुछ कहना है। हर समय पर संतों को, सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को तोड़ने का, हिंदू धर्म को खत्म करने का कार्यक्रम चलाया है और ये कार्यक्रम आजादी से पूर्व भी, मुगलों के समय भी और वर्तमान में कांग्रेस रूपी जो लोग सनातन धर्म विरोधी हैं उनके द्वारा भी इसको चलाया जा रहा है। लेकिन ये नहीं लगता कि ये बयान उनसे कहलवाया गया हो, क्योंकि वो साधु संतों की तरफ इशारा भी किए कि उनकी पार्टी ने या पार्टी उनसे पूरी तरह से रुख मोड़ लेगी कि नहीं हमारा इससे वास्ता नहीं है। देखिए वो तो अभी पता लगेगा आपको, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस के उस परिवार के अंदर जो रहता है व्यक्ति, उस बिरादरी के अंदर जो रहता है व्यक्ति, उसके विचार वैसे ही हो जाते हैं। इनके अंदर पोतहीन भावना है सनातन धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर, संत समाज को लेकर, और इसका सामना, इसका परिणाम कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। पहले भी भुगता है और वर्तमान में आगे आने वाले समय में भी भुगतना पड़ेगा। आप देश भर के संत समाज में एक महत्वपूर्ण पद पर भी हैं, तो संत समाज से फोन वगैरह आए हो, बातचीत की हो उनके, उन लोगों ने विरोध कराया हो या इस तरीके की कोई उनकी योजना? देखिए उस समय पर सदन के अंदर हमें उन्होंने क्या कहा था वो स्पष्ट रूप से हमें सुनाई नहीं दिया। बाद में जब सुना, लोगों ने भी सुना, लोगों के पास भी वीडियो पहुंचे, मीडिया सोशल मीडिया में भी चले, और मेरे पास में सभी संतों के, काफी संतों के फोन भी आए हैं, और आप देखिए कि सभी संतों का विरोध, कांग्रेस को इसको सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। आप क्या मानते हैं संत समाज के खिलाफ जो बयान? संत पुरातन समय से ही हमारे देश में संतों के लिए एक उच्च मान सम्मान की परंपरा रही है, और निश्चित रूप से संत समाज को दिशा देने का काम करते हैं और एक सामाजिक समरसता का प्रतीक होते हैं। ऐसे हम किसी भी क्षेत्र में जाएं, हर 10-15 किलोमीटर पर आपको ऐसे संत मिल जाते हैं जहाँ पे संतों का आश्रम होता है, जहाँ पे लोग आते हैं और एक आपसी मेलजोल, एक प्रेम भावना लोगों में उत्पन्न करने का ये काम करते हैं। महाराज जी, ये जो बयान दिया है ये गलत बयान है, और जो हमारा देश जो संतों के सम्मान के लिए जाना जाता है वहाँ पे ऐसे बयान देना बिल्कुल एक महाराज जी, अब आप सदन में भी इस मुद्दे को उठाओ। नहीं बिल्कुल, मैंने रखा है और इस पर मैंने पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बात रखी है कि इस पर मुझे बात रखने का मौका दिया जाए, और सदन के अंदर माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के सम्मुख इस बात को, सदन के पटल पर इस बात को रखने का अवसर दिया जाए कि जिस प्रकार का उन्होंने संतों के ऊपर उंगली उठाने का काम किया है, संत समाज पर उंगली उठाने का काम किया है, ये कतई पूरे भारतवर्ष और पूरे संत समाज को बर्दाश्त नहीं होगा। तो संत समाज में गुस्सा है कांग्रेस के विधायक और नेता श्रवण कुमार के खिलाफ। तो सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान को आप सुन रहे थे। ऐश्वर्य प्रधान को आप सुन रहे थे, महंत और विधायक तिजारा से बाबा बालकनाथ के साथ बातचीत करते हुए, और जो संतों पर टिप्पणी कल सदन में दी गई थी उसका उन्होंने पुरजोर विरोध किया, कहा कि विपक्ष को इस चीज का खामियाजा भुगतना भी पड़ेगा।